वेलकम टू द साइंस क्लास अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है ये चैप्टर क्लास 6 का देखेंगे, दैट इज लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, यानी कि प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ठीक है बच्चों, लाइट क्या है आप सब जानते हैं, यस रोशनी। ठीक है, तो क्या लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है? अरे ये क्या हो गया, कमरे की लाइट चली गई? बच्चों आप मुझे देख सकते हैं, उसमें आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बाहर की जो रोशनी है इसमें से आपने मुझे जितना दिखना है उतना ही देख रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, जस्ट एक कैंडल जलाकर देखते हैं कि रोशनी इसमें आता है कि नहीं। कैन यू सी मी नाउ? अरे लाइट आ गई। ठीक है, कमरे में लाइट आते ही आप मुझे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो बच्चों इससे क्या साबित होता है, लाइट प्रकाश या रोशनी हमें वस्तुओं को देखने के लिए मदद करती है। दैट इज वी नीड लाइट फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ओके, सो नाउ इन दिस लेसन यू हैव टू लर्न वेरियस लाइट का जो प्रॉपर्टीज है उसको देखना है हमें। ठीक है, फिर आगे हम लाइट से होने वाले शैडोज के बारे में देखेंगे, फिर उनके रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ काफी ऑब्जेक्ट्स जो होती है ना, उसमें से कुछ कुछ में से अपना लाइट वो देता है। जैसे कि अभी आपने देखा था कैंडल, देन दिस टॉर्च, ओके इससे भी लाइट आती है। ओके, तो ये सारी वस्तुएं जिसमें से लाइट एमिट होता है वी कॉल इट लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, वी कॉल इट लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में इसे बोलते हैं दीप वस्तुएं। और जो वस्तुएं लाइट को एमिट नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा है, ठीक है आपके बुक्स है, आसपास जो भी वस्तुएं हम हैं, क्या हम लाइट एमिट करते हैं? नहीं। लेकिन नजर कैसे आते हैं, हमारे ऊपर जो रोशनी पड़ती है वो रोशनी टकरा कर आपके आंखों तक आती है तो आप देख सकते हैं उस वस्तु को। मतलब रोशनी का होना बहुत जरूरी है। Now let's see what are luminous objects in detail, ठीक है, and non-luminous objects। हमारे चारों तरफ कई प्रकार के वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे कि हम क्या देखते हैं, luminous में we have got sun, sun का अपना light है, ठीक है, stars का भी अपना light है, तो that is also luminous। बच्चों इसमें हम देखते हैं कि sun जो है it is one of the star only, वो एक star ही है, लेकिन वो अर्थ से इतना नजदीक है इस वजह से बड़ा सा दिखाई देता है। लेकिन बाकी जो स्टार्स होते हैं वे काफी दूर पे होते हैं, हमारे सन से भी बड़े बड़े साइज के स्टार्स हैं, लेकिन वो इतने दूर है कि वो छोटे छोटे रोशनी के बूंद की तरह दिखाई देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना। तो बच्चों क्या यहाँ पे जो मून है या हमारा अर्थ है, ठीक है पहले हम अपने अर्थ को ही लेते हैं, अर्थ को भी अगर देखें तो वो भी चमकता है। ओके, देखिए आप इसमें ये पिक्चर में कि ये चमकता है, वो चमकता कैसे है, सन का रोशनी जितने पोर्शन अर्थ में पड़ा है देखिए वो जगह खाली ब्राइट है, बाकी जगह डार्क है। ठीक है, तो अर्थ क्या लुमिनस हुआ? नो, अर्थ इज नॉट लुमिनस। ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है, इवन यू सी द मून, मून भी रात में हम देखते हैं ना, अच्छा व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है उसमें से भी व्हाइट मून लाइट आता है, तो वो लाइट क्या है, क्या वो लुमिनस है? नहीं, उस पे भी सन का लाइट आता है और वो रिफ्लेक्ट होता है, सो दैट इज आल्सो नॉन लुमिनस। ओके, अब क्लियर हो गया लुमिनस क्या है, विच एमिट्स इट्स ओन लाइट। जैसे कि जुगनू आपने देखा होगा, ठीक है रात में चमकता है ना जुगनू, एक छोटा सा बीटल होता है। ओके, जंगल एरिया जहां हम जाते हैं वहां पे दिखाई देता है, यू कैन सी इन दिस वीडियो आल्सो कि वो कैसे रात में चमकता है और उसके पीछे से वो लाइट को एमिट करता है, तो वो क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो लूमिनस, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट एमिट्स द लाइट। ठीक है, तो इस तरह की वस्तुएं जो अपना रोशनी खुद निकालते हैं उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और जो अपना रोशनी नहीं होता है उसे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है आपको, वॉट इज लुमिनस एंड वॉट इज नॉन लुमिनस। ओके, नाउ लेट्स हैव मोर फन विद द लाइट स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है, एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट व्हाट एंड ऑल आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स यू फाइंड अराउंड यू। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, बुक ले लो,
पॉलिथीन ले लो, ग्लास ले लो, ठीक है, इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, यू कैन टेक एनीथिंग, रबर हुआ, पेंसिल हुआ, पेन हुआ, जो मिल रहा है उसको लेना है. एंड यू कैन सी इन द टेबल, बुक में एक टेबल दिया है, वो टेबल में उसको फिल करना है, ठीक है. तो टेबल में क्या क्या दिया है, फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट्स का नाम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के नाम. उसके बाद अगला जो कॉलम है व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट, उसमें दिया है फुल्ली, पार्शियली, नॉट एट ऑल, ठीक है, या तो उसमें से पूरा पार हो रहा है, पार्शियली पार हो रहा है, या बिल्कुल ही नहीं पार हो रहा है. क्या पार हो रहा है, लाइट, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, अब इसका कंक्लूशन में थर्ड कॉलम दिया है, ऑब्जेक्ट विल बी ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी, पहले इसको तो जान लो कि ट्रांसपेरेंट क्या है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या है, ओपेक. ट्रांसपेरेंट को हिंदी में पारदर्शी बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट इज पारदर्शी एंड ओपेक इज अपारदर्शी, ठीक है, जो वस्तु है. अब इसमें क्या है, हमें देखना क्या है, आपको लेना है और ले लीजिए, कोई टॉर्च ले लीजिए, ठीक है. नाउ आई विल बी शोइंग हियर, सी हियर आई गॉट वन पॉलिथीन ओनली, ठीक है, बट इसमें से हमें करना क्या है, आई टेक दिस लेजर टॉर्च, ओके, व्हाट आई एम डूइंग, देखो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये शीट में से पार होके वो बोर्ड में वो लाइट नजर आ रहा है, ठीक है, सो इजिली इट कैन पास थ्रू इट, दिस इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट इजिली आर पार जा सकता है, जैसे ग्लास हुआ, इवन फ्रॉम वॉटर ऑल्सो. नेक्स्ट आई टेक दिस बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर आजकल जो बैग्स आता है नॉन प्लास्टिक वाला, वो भी ऐसे ही मटेरियल का होता है. नाउ सी, आपको दिख रहा है ना रोशनी, ठीक है, तो ये क्या है, पार कम हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट वन आई एम टेकिंग जस्ट अ कार्ड, ठीक है, एक कार्ड लिया हुआ है, इसमें से पार करके दिखा रहे हैं, कैन यू सी, लाइट दिख रहा है, पार हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो लाइटली ट्रांसलूसेंट. अब इसमें से क्या है, हम थोड़ा सा और हार्ड ऑब्जेक्ट को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग दिस बुक, ओके, आई एम पासिंग दिस वन, कैन यू सी द लाइट, लाइट नजर आती है, नहीं. हम यहां पे भी करके दिखाते हैं बोर्ड में, वो जाएगा ही नहीं, ठीक है. सो दैट मीन्स दिस इज वॉट, दिस इज ओपेक, ठीक है. अब क्लियर हुआ वॉट इज ओपेक, जिसमें से रोशनी बिल्कुल पार नहीं होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट एकदम ही उसको ऑब्जेक्ट करता है, लाइट को पास होने ही नहीं देता है. जैसे हमने देखा बुक, एक कार्ड पतला सा लिए थे, उसमें से भी हल्का सा रोशनी जा रहा था, दैट मीन्स इट इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट मीन्स हल्का सा रोशनी जाएगा उसमें, ट्रांसपेरेंट मीन्स एकदम आर पार दिखाई देगा. और एक तरीका है, कुछ लिखे हैं उसको ही रख के देख लो, यू कैन सी क्लियरली, ट्रांसपेरेंट में क्लियर दिखाई देगा. ट्रांसलूसेंट शीट लेके देख लो कैसे नजर आता है, यू कैन सी इफ यू आर प्लेसिंग इट, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे तो उतना क्लियर नहीं, ठीक है, हल्का सा दिखाई देता है. एंड इफ यू आर टेकिंग अ पेपर, यू कैन सी हियर आई एम प्लेसिंग दिस पेपर, कैन यू सी, नो, सो दिस इज ओपेक, ओके. नाउ आई थिंक क्लियर हो चुका है व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज ट्रांसलूसेंट एंड व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओके. Now next we shall see about shadows. Let's see. Now let's learn about shadows या छायाएं. आपने तो छायाएं या shadows देखे हैं, ठीक है, तो क्या क्या जरूरी होता है for formation of shadows, ठीक है, ये सारे आपको इसमें देखना है. It will be really fun. Okay, various activities आपको करनी है इसमें. तो पहला क्या करना है, you along with your friends, आप जब दिन के वक्त है काफी अच्छा दूध होगा, थोड़ा बाहर पे जाइए और आपने जो ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया था पहले एक्टिविटी में हमने बोला था, उसको लीजिए और वो सन के नीचे में आप उस ऑब्जेक्ट्स को रखिए, थोड़ा होल्ड कीजिए ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और नीचे एक वाइट पेपर रख दीजिए और उसके बाद फ्रेंड होल्ड करेंगे, आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसका आउटलाइन को बनाना है. जैसे कि यू कैन सी हियर आई एम प्लेसिंग माई हैंड, मेरे पीछे हाथ का जो परछाई है ना उसका आउटलाइन आपको बनाना है इसमें, ठीक है. आउटलाइन बना के इस तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का आउटलाइन बनाइए
और अपने दूसरे फ्रेंड्स को वो जो बनाया हुआ आउटलाइन है उसको देखकर पहचानने की कोशिश करने के लिए बोलिए कि वो कौन से ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है. ठीक है, इट इज अ गेम, इट विल बी फन. ओके, द नेक्स्ट, अब अगर आप यही काम किसी अंधेरे कमरे में करते हैं तो क्या शेडोज बनेगा? नो. तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज क्या होना चाहिए? वी शुड हैव व्हाट? अ सोर्स ऑफ लाइट. शेडोज के लिए क्या चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट बहुत जरूरी है. ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए. जैसे कि अभी हमने देखा ना टॉर्च, दिस वॉज द सोर्स ऑफ लाइट ओवर हियर. उसी तरह आप जब सन के नीचे जाते हैं सनलाइट में, तो सन का जो लाइट है वो सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए. एंड इफ यू आर व्यूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो देखे थे उसमें अगर आप देखेंगे तो शेडोज किसका बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, जो लाइट को रोकता है. ठीक है, मेरा हाथ अभी ओपेक था जिससे आपने शेडो को देखा. ओके, उसी तरह अगर आपने ट्रांसपेरेंट शीट का किया है, ठीक है, जस्ट सी इफ यू आर टेकिंग द ट्रांसपेरेंट शीट, क्या इसका शेडो बनेगा? यू कैन सी लाइट तो पार हो जा रहा है. ठीक है, जो जगह डार्क है थोड़ा ट्रांसलूसेंट है उसमें हल्का सा शेडो दिखाई देता है, लेकिन बाकी जगह देखो एकदम वैसे ही जाता है. तो ट्रांसपेरेंट में शेडोज नहीं बनता है, ट्रांसलूसेंट में स्लाइट शेडोज बनेगा, ओपेक में बहुत अच्छी तरह से शेडो बनता है. तो ये हुआ शेडोज के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट और भी एक्टिविटीज है, आगे हम देखते हैं. नाउ सी दिस एक्टिविटी, ये डार्क रूम में मैंने ये ऑब्जेक्ट को रखा है, इसके ऊपर मैं टॉर्च लगा रही हूँ. यू कैन सी पीछे जो है उसका शेडो नहीं दिख रहा है. ओके, बट व्हेन आई एम प्लेसिंग अ बोर्ड बिहाइंड इट यू कैन सी द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसी तरह आपको आगे बुक में दिया है. ठीक है, आपको एक और एक्टिविटी जो है बुक में दिया है, क्या दिया है कि डार्क नाइट में आपको बाहर जाना है. ठीक है, अपने फ्रेंड को लेकर जाइए और उसके बाद टॉर्च लेकर अपने फ्रेंड को आपने टॉर्च उसके फेस पे, आंख में नहीं फेस पे लाइट करना है. उसके बाद आप देखेंगे उसका जो परछाई है पीछे तो नहीं बन रहा है, दिख नहीं रहा है डार्क नाइट में, बट व्हेन यू आर प्लेसिंग अ बोर्ड बिहाइंड दैट, ठीक है, वो फ्रेंड का जो परछाई है वो बोर्ड पे आता है. अब आगे एक और एक्टिविटी यहीं पे हम करके कोशिश करते हैं. ठीक है, सी आई हैव लाइटेड ओवर माय हैंड, क्या पीछे शेडो दिखता है? नहीं दिखता है. ओके, यू कांट फाइंड द शेडो ऑफ माय हैंड, बट हम धीरे धीरे इसको लेके यहां जा रहे हैं. सी, यू कैन सी द शेडो. ओके, हाथ का जो शेडो है पीछे दिखाई देता है. सो स्टूडेंट्स, ये जितने एक्टिविटीज है इसको करने से आपको क्या पता चलता है कि शेडोज के लिए स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, वॉट इट इज स्क्रीन, एक स्क्रीन का होना जरूरी है. पहले हमने देखा सोर्स ऑफ लाइट होना है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना है, थर्ड पॉइंट मिला है कि एक स्क्रीन का होना जरूरी है. अब जितने एक्टिविटीज को हमने देखा था स्क्रीन क्या था, पीछे जो बोर्ड लगाए थे वो स्क्रीन था, जो कार्डबोर्ड आपने प्लेस किया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे स्क्रीन का काम कर रहा है. यहाँ अभी हमने हाथ में दिखाया तो क्या एक्ट किया? दिस व्हाइट बोर्ड. ओके, इट एक्ट एज अ स्क्रीन. और उसी तरह हम अपने परछाई को देखते हैं ग्राउंड में, सूरज में जब दिन के टाइम निकलते हैं ना, तो वी फाइंड आवर शैडोज ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड क्या हुआ? स्क्रीन हुआ. ठीक है, समटाइम्स यू फाइंड ऑन द वॉल्स ऑल्सो, तो वॉल क्या हुआ? इट इज स्क्रीन. सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज क्या क्या चीज चाहिए? वी नीड सोर्स ऑफ लाइट. ओके, देन द ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक, एंड द थर्ड पॉइंट इज यू नीड अ स्क्रीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज. होप इट्स क्लियर टू सी अ लिटिल फन विद शैडोज. बच्चों, आपने शैडो आर्ट के बारे में सुना है? शैडो आर्ट एक पपेट्री आर्ट है. ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कटआउट्स लेते हैं और वो स्क्रीन पे उसका शैडोज दिखा के हम वेरियस प्रोग्राम्स को करते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है या ड्रामा करना होता है वो उसमें दिखाते हैं. तो जस्ट सी अ क्लिप, आई विल बी शोइंग अ स्मॉल क्लिप, उसमें देखिए शैडो आर्ट. Thank you.
आप अच्छो शेडोज मोस्टली हम देखकर बता सकते हैं कि वो किसका शेडो है या कौन सी ऑब्जेक्ट का है, लेकिन कभी कभी शेडोज जो है दे मिसलीड ऑल्सो, ठीक है, उसमें देखने से हमें समझ में नहीं आएगा, हमें लगेगा कुछ और है। जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर विद अ हैंड, शेडोज जो है हैंड का फिंगर्स, उसको हम दोनों हाथों से लेकर अलग अलग एनिमल्स का जो पैटर्न है वो बना सकते हैं, शेडोज में ला सकते हैं, ठीक है। नाउ सी अ स्मॉल क्लिप ऑल्सो हाउ टू मेक अ पैटर्न्स फ्रॉम योर हैंड, यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो, घर पे भी कर सकते हैं ये वाला। चलिए देखिए इसको। आपने देखा कि हाथ से कैसे वी मेक वेरियस एनिमल्स, बर्ड्स का शैडो बना सकते हैं, डॉग्स का बना सकते हैं, ठीक है, डियर का बना सकते हैं, यू कैन ट्राई एट योर होम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन मोर एक्टिविटी इज गिवन, व्हाट यू हैव टू डू, अगेन दिन के वक्त धूप में जाइए, ठीक है, और अपने घर में जैसा चेयर होगा उसको लेकर जाइए या और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यू कैन टेक वेरियस कलर फ्लावर्स ऑल्सो, उसको ले जाकर उसका परछाई या शैडो को देखिए। व्हेन यू आर प्लेसिंग द चेयर, ठीक है, उसको जब देखते हैं तो चेयर का पैटर्न बनता है, थोड़ा सा घुमा दीजिए उसको तो उसका शैडो में चेंजेस आता है, ओके, यू विल फाइंड कि चेंजेस होता है। टेक अ बॉक्स, ओके, इफ यू टेक अ बॉक्स यू आर प्लेसिंग इट लाइक दिस, इसका शैडो देखिए, प्लेस इट लाइक दिस, उसका शैडो देखिए, कौन सा लंबा होगा कौन सा छोटा होगा। वेरियस कलर्स ऑफ फ्लावर्स को अगर हम रखते हैं, अगर लाल कोई फूल है उसका शेडो देखिए, पीला वाला फूल का शेडो देखिए, व्हाइट वाला फूल का शेडो, शेडो का कलर में कोई फर्क आता है? नो, शेडो विल बी ऑलवेज डार्क ओनली, ठीक है, वो ब्लैकिश डार्क कलर का ही शेडो आपको दिखाई देता है। शेडो का साइज में या पैटर्न में चेंजेस हो सकता है जब हम ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट पिनहोल कैमरा, ठीक है, पिनहोल कैमरा जो है बच्चों आर मेड विथ टू बॉक्सेस, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इसको करना क्या है, दो बॉक्सेस को लेना है आपको, ठीक है, इस तरह कलर से कवर कर दीजिए, कलर पेपर से, देन एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स को जाना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए, ऐसे वाले बॉक्सेस को लेना है, और पहला जो बॉक्स ऊपर का होगा उस पर एक छोटा सा पिन से आपको होल करना है, ओके, नेक्स्ट वन उसमें कट करके यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पेपर को चिपकाना है, ट्रांसलूसेंट पेपर हमने देखा था बटर पेपर, ठीक है, उसको लगा सकते हैं, उसके बाद दोनों का एंड जो है खुला होना चाहिए, ओके। नाउ यू हैव टू व्यू, इसको जो है हम कोई भी कैंडल को जला के देख सकते हैं, या तो तेज रोशनी होगा बाहर में उसका व्यू जो है इसको मूव करके आप आगे पीछे करके उसका स्क्रीन पे आप उसका इमेज देख सकते हैं। नाउ जस्ट सी हाउ आई मेड एंड द व्यू ऑफ द कैंडल फ्रॉम दिस, जस्ट सी।
हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा। इसे आप रोशनी वाले अच्छा से लिट वाले प्लेसेस को आप उसका शेडोज को या इमेजेस को देख सकते हैं ऑन द इनसाइड स्क्रीन ऑफ द पिन होल कैमरा। आपने क्या देखा, अभी जो कैंडल था उसका जो फ्लेम आपको नजर आया वो कैसे नजर आया, उल्टा, ठीक है, वो उल्टा दिखाई देगा स्क्रीन पे एंड दैट टू स्मॉल इन साइज। ओके, इवन यू कैन व्यू द आउटसाइड ऑल्सो, तो आपको स्काई नीचे और बिल्डिंग्स वगैरह अपसाइड डाउन दिखाई देगा उस स्क्रीन पे। बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नाउ नेक्स्ट, विद सेम पिन होल कैमरा का जो पॉलिसी है या उसका जो प्रिंसिपल है, इससे हम जो है सन को व्यू कर सकते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सन को डायरेक्टली बिल्कुल नहीं देखना है। नॉर्मली भी हम जब बाहर देखते हैं ना, तो डायरेक्ट सन को नहीं देखना है। हम व्यू करते हैं कब, जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तब उसका लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो हम उसको व्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आ जाता है, काफी शार्प होता है, उस वक्त हम जो है उसका ब्राइट लाइट को डायरेक्ट नहीं देखना है हमने। क्यों? क्योंकि हमारे आईज को वो डैमेज कर सकता है। यही चीज जो है एक्लिप्स के टाइम में, एक्लिप्स आपने सुना है ना, सोलर एक्लिप्स होता है एंड लूनर एक्लिप्स, ठीक है। क्या होता है इसमें, सोलर में सन ढक जाता है, लूनर में मून ढक जाता है। तो कैसे ये होता है, सोलर में हम यहाँ पे अर्थ में है, ठीक है, सन काफी दूर पे है, वो छोटा ही दिखाई देता है। कभी कभी मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, आपको पता है ये सैटेलाइट है, ठीक है, तो एट टाइम ये एक ही लाइन में आ जाता है, ठीक है, और वो जो है सन को ढक देता है, तो हमें सन नजर नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड एज सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या हो जाता है, अर्थ तो है, लाइट जो डायरेक्ट हो जाता है, सेम देखो एक ही लाइन में है सन अर्थ मून एक ही लाइन में है, लेकिन हमारे अर्थ का परछाई मून के ऊपर हो जाता है। तो ये कब होगा, ये फुल मून के टाइम होगा और ये न्यू मून के टाइम में होता है। लूनर एक्लिप्स को आप देख सकते हो, ठीक है, हम डायरेक्ट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में ही बताए थे मून क्या है, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसका अपना लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट आता है सन का। सो यू कैन व्यू लूनर एक्लिप्स, देख सकते हैं। सोलर एक्लिप्स के वक्त अक्सर पुराने लोग क्या बोलते हैं, घर से बाहर नहीं जाना है। क्यों घर से बाहर नहीं निकलना बोलते हैं? क्योंकि एक्सीडेंटली हम जो है ऊपर देख लेंगे। देखते वक्त क्या हो जाता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट में जब थोड़ा सा भी हम उसमें अड़चन लाते हैं, तो बीम यहां से बहुत शार्प निकलता है, तो इससे क्या है, आइस को काफी डैमेज हो सकता है। इसलिए कभी भी जो है सन को व्यू डायरेक्ट नहीं करना बोलते हैं, और स्पेशली सोलर एक्लिप्स के टाइम में तो आपको देखना नहीं है, लेकिन आप सोलर एक्लिप्स व्यू कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपको एक पिन होल कैमरा बनाना है, सिंपल सा है, ठीक है। क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड का ऐसे शीट का पेपर ले लो, ठीक है, ठीक होना चाहिए कार्डबोर्ड, उसमें सिर्फ एक, देखिए इसमें छोटा सा एक पिन का होल ही है, ठीक है, इसमें एक पिन का होल ही है। इसको क्या करना है, आपको सन का जो रेस है उसको ग्राउंड पे फोकस करना है। ये फोकस करते हुए हमने यहाँ पे दिखाया है, देखिए आप इसमें कैसे फोकस करते हैं। यही सेम कार्ड को मैंने फोकस किया हुआ है और लाइट जो सन का है आप देख सकते हैं कि वो शीट पे पड़ा हुआ है, छोटा सा गोला दिखाई देता है ना आपको, तो वो वैसा ही नजर आएगा। तो कैसे दिखता है, वो फुल राउंड में दिखता है, ठीक है, वो जो गोला शीट का, जब हमने शीट पे से देखा कि ये पॉइंट है पिन का, ये ग्राउंड पे कैसे आता है, ऐसे गोला सा एक दिखाई देगा, राउंड है ये, ठीक है। अब मैंने जो देखा है वो कब है, जब एक्लिप्स नहीं है उस वक्त का है। जब एक्लिप्स होगा तब भी आप वैसे ही व्यू कीजिए ग्राउंड में, ठीक है। तो जितने पोर्शंस में एक्लिप्स है, सपोज अगर सन का सोचो आधा शेड हो चुका है, ठीक है, आप व्यू कर रहे हैं इसका थ्रू, तो आपको आधा ही नजर आएगा, ऐसे ही नजर आएगा इसमें, ठीक है, हाफ ही नजर आएगा। अगर यहाँ पे क्रेसेंट है, जैसे ये क्रेसेंट फॉर्म में थोड़ा सा ढका है, तो ये गोला जो है यू विल फाइंड क्रेसेंट फॉर्म में ही रहेगा। यू कैन व्यू लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द मेथड ऑफ व्यूइंग सोलर एक्लिप्स, ओके। तो बच्चों सेफली इसको व्यू कर सकते हैं आप लोग सोलर एक्लिप्स को भी, ओके। बच्चों अब ये पिन होल कैमरा आप नेचर में भी देख सकते हैं, जैसे पिक्चर में देखिए कि पत्तियों के बीच में से जो है सूरज का रोशनी ग्राउंड पे आ रहा है,
पत्तियों के बीच में जो छोटा छोटा गैप होता है ना, उसमें से जब ग्राउंड में आ रहा है, देखिए ग्राउंड में वो सर्कुलर वे में ही उसका जो लाइट है वो दिखाई देता है। मतलब जैसे हमने पिन होल कैमरा की बात की थी, तो यहाँ पे भी लीफ के बीच में जो है वो जो गैप है वो इट एक्ट्स लाइक अ पिन होल कैमरा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इतने सारे एक्टिविटीज आपने जो देखा, इसमें एक चीज इसमें क्या पता चला कि लाइट शुड ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखे ये जितने भी एक्टिविटीज देखे, इसमें आपको क्या पता चला, लाइट शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइट का प्रॉपर्टी है, लाइट जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, वो सीधे ही जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन सी इन द पिक्चर जैसे दिखाया गया है, यू हैव टू टेक अ ट्यूब, एक पाइप लेना है और वो पाइप में से आपको एक कैंडल को जला के उसका फ्लेम को आपको देखना है। यू कैन टेक अ रबर पाइप और अ प्लास्टिक पाइप, उसके बाद हमें तो लाइट दिखाई देगा, यू कैन सी डायरेक्ट वो पाइप होता है तो दिखाई देता है। फिर आप पाइप को मोड़ दीजिए, मोड़ के उसमें व्यू करने को देखिए, क्या दिखाई देगा लाइट, नहीं। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ लेट्स सी मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, दर्पण तथा परावर्तन। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो बच्चों आपने मिरर तो देखा है, ठीक है, दिस मिरर, इसमें क्या करते हैं हम अपना फेस देखते हैं, है ना, फेस देखते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है हमारा, दैट इज रिफ्लेक्शन इन साइड द मिरर। ओके, वी सी, इसी तरह अगर होल्ड करके देखते हैं तो हमें चारों तरफ जो भी है वो नजर आता है, उसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर आता है। तो मिरर के साथ हमने यही मिरर का रिफ्लेक्शन आप नेचर में भी देखते हैं, जैसा क्या है, झील या पॉन्ड वगैरह है, उसके साइड में आप देखो जब वो शांत रहता है तो वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रीज, स्काई एक्सेट्रा, वो पानी में हमें दिखाई देता है। तो दैट इज रिफ्लेक्शन, वो जो पानी है एट टाइम्स वो मिरर की तरह काम करता है। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया, मतलब हमारा जो परछाई है इसमें टकरा कर, ठीक है, हमारा जो है इसमें इमेज बनता है और वो हमें दिखाई देता है आंख में, वो लाइट जो है बॉडी में जाता है, वो रिफ्लेक्ट होता है और वही हमें दिखाई देता है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन विद मिरर। नाउ आपने इससे कई बार खेले भी होंगे, ठीक है, व्हाट वी डू नॉर्मली, जैसा धूप होगा या लाइट है उसको हम अपने फ्रेंड्स के फेस में इसको रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब आप देखिए, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी, आप टेक इन दिस, ओके, ये देखिए यहाँ से मैं इसको लाइट लगा रही हूँ मिरर में, तो इट गोज दैट साइड, ओके, ये रिफ्लेक्ट करता है। ओके, दिस शोज व्हाट, लाइट का जो डायरेक्शन है वो मिरर चेंज कर सकता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। पहले ही हमने देखा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे ही शाइनिंग सरफेस में टकराता है वो एक एंगल में वो चला जाता है। इसका एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी दिया है, आपके बुक में ही है, आपको करना है, आप कर भी सकते हैं। आप देखिए ये एक्टिविटी, इसमें क्या किया है, मैंने इसमें मिरर लिया है, ठीक है, एक कोम लिया है और लाइट को उसमें रिफ्लेक्ट करके देखा है। तो उसमें आप देख सकते हैं उस एक्टिविटी में कि क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड उसमें से रिफ्लेक्ट होता है, कई रेज जाता है और वो रिफ्लेक्ट होता है, प्लस उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, जैसे जैसे हम उसको चेंज करते हैं उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। लेट्स सी, देखिए करके देखिए रिफ्लेक्शन कोम के साथ में करके देखिए। नाउ मिरर के बारे में काफी चीज आपने अभी देखा, ठीक है, समझा, लेकिन इसको डिटेल में, ठीक है, मिरर के बारे में और डिटेल में, इसके जो रेज इनकमिंग रेज है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट होके जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसका लॉस होता है, ठीक है, बहुत सारा टाइप्स ऑफ मिरर्स होता है, इसके बारे में सब आगे के क्लासेस पे आप आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए हम ये लेसन को रिवाइज करते हैं बच्चों। सो व्हाट एंड ऑल वी हैव लर्नड इन दिस लेसन, हमने देखा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस
टू मेक थिंग्स विजिबल, थिंग्स को वो देखने में हमें मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। हमने देखा था कि लाइट एमिट होता है तो दो तरह का ऑब्जेक्ट्स होता है इसमें, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस मीन्स जिसमें से लाइट एमिट होता है, नॉन ल्यूमिनस जिसमें से लाइट उसका अपना नहीं होता है, वो लाइट एमिट नहीं करता है। ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू इट, ठीक है। तो उसको हमने तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वॉज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसमें से लाइट ईजिली पास हो जाता है। ट्रांसलूसेंट, जिसमें पार्शियली पास होता है। ओपेक, जिसमें बिल्कुल भी पास नहीं होता है। शेडोज, फिर हमने देखा था रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, केप्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ओपेक होना चाहिए। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कास्ट अ डार्क शेडो, उसका डार्क शेडो होता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस अ वीक शेडो, एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट अ शेडो एट ऑल। नेक्स्ट वी हैव सीन व्हाट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट जो है होना चाहिए, ये तो हमने देखा था, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एंड अ स्क्रीन शुड बी देयर। नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विद सिंपल मटीरियल्स एंड यूज टू सी द इमेजेस ऑफ सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था नेवर सी द सन डायरेक्टली as it could be extremely harmful for your eyes. How will you see it? You can see through the pinhole camera. Then we had seen what light travels in a straight line. ठीक है, इसमें भी आपने एक activity करके देखा था. Lastly we had seen reflection of light. Mirror से reflection देखे थे. The process of sending back the light rays which fall on the shining surface of an object like a mirror, that is reflection of light. इतना तो हमने इस चैप्टर में देखा है। बच्चों अब आगे जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें चार ऑप्शंस है, सही आंसर को चुनकर आपको इसको लिखना है। वेल स्टूडेंट्स, होप यू माइट हैव एंजॉयड लर्निंग दिस लेसन एंड फन आल्सो विद लाइट शेडोज, ठीक है, इवन मिरर एंड रिफ्लेक्शन के साथ कई एक्टिविटीज देखे थे, तो आपको काफी अच्छा लगा होगा इसमें। डू वॉच, ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स जो है उसको अच्छी तरह से देखिए। सराउंडिंग्स में जो भी फिनोमिना होता है उसको ध्यान दीजिए, वो ऐसा क्यों है। मन के अंदर हमेशा एक वर्ड आना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों का आंसर ढूंढिए, ठीक है। उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं, एल्डर्स से मदद ले सकते हैं, इवन टीचर्स से, रेडीली अवेलेबल आपके टीचर्स हैं, उनसे पूछिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उनको जानने की कोशिश कीजिए। व्हाई? बिकॉज साइंस इज सर्च फॉर द ट्रूथ, हम सच्चाई की खोज करते हैं साइंस में, ठीक है। साइंस इज फन ऑल्सो, सो कीप लर्निंग विद फन, स्टे सेफ, बाय बाय।